मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं बाहर जाऊंगी। अच्छा। और यूके और लंदन में पहला कदम रखूंगी। और मुझे ऐसे लग रहा है मैं अभी मतलब 10 मिनट के अंदर मुझे इंडिया में होना चाहिए। और जब इसके जाने के बाद फिर गाड़ी चलाना भी शुरू किया। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। मम्मा सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना, यहाँ पे मतलब जेट तो होते नहीं है। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू हम तो मेरे इंग्लैंड। मैं हूं गौरव और आज जो अवी है वो कैमरा के पीछे है। अभी थोड़ी देर में आ जाएगी अवी भी। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मम्मी पापा के साथ यहां पे बना रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज भी कवर करना कि जब इंडिया से मम्मी पापा यहाँ पर आते हैं वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसको वो फेस करते हैं, या फिर इंडिया में जब उनके बच्चे अब्रॉड जाने का प्लान करते हैं तो उनको कैसी फीलिंग आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में इंडियन पेरेंट्स जो है वो काफी बारी सोचते हैं और हमारे साथ शेयर भी करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का हमारे पास मैसेजेस भी आते हैं। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और होपफुली आपको एंड ऑफ द वीडियो तक आपको पता चल जाएगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी ज्यादा वैल्यू रखता है वाला टॉपिक। तो मम्मी पापा मेरे साथ इंडिया से आए हुए हैं, आपको पता ही होगा। आज मैं मम्मी पापा से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। ये इंटरव्यू नहीं है, मतलब नॉर्मल हम नॉर्मल बात करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मम्मा, जब मैंने पहले प्लान किया कि मुझे बाहर जाना है, ठीक है, मतलब 2015 की बात है जब मैं जर्मनी जाना चाहता था, तो आपको कैसी फीलिंग आई जब मैंने, क्योंकि मम्मी पापा ने सोचा नहीं था कि बाहर चला जाएगा, दूर हो जाएगा हमसे, तो तब आपको कैसी फीलिंग आई? पहले पता है सबसे पहले मुझे ये लगा कि मजाक कर रहे हो तुम कि जाना है। हाँ। उसके बाद ये जब दिल्ली गया, अपना पासपोर्ट वगैरह इसने सब तैयार किया और मुझे एप्लीकेशन वगैरह डाली, तो उसके बाद इसने मुझे वहीं से दिल्ली से फोन किया कि भाई मेरा फाइनल हो गया। और मैं तो सोच के बस ऐसे हो गई थी, पर फिर खुशी भी हुई मुझे कि बच्चा बाहर जा रहा है, अच्छी बात है। आपको कैसी फीलिंग आई? यही लगता था कि शायद मन की बातें हैं, कह रहा है कि मेरे को बाहर जाके पढ़ना है, सही में प्लान है इसका या ऐसी वैसी है। हाँ। तो मैं भी ज्यादा उसमें नहीं ले रहा था। फिर जब प्लान बन ही गया उसका, थोड़ी देर के लिए लगा, लेकिन फिर देखो माँ बाप तो यही चीज सोचते हैं कि अगर बच्चों को पढ़ाई लिया है तो पढ़ाने के बाद फिर उनको अपने जॉब के लिए या आगे जाने के लिए कहीं ना कहीं आज़ादी तो देनी होती है, वो फिर मोह तो छोड़ना होता है। तो वही सोच के भाई चलो, कुछ चीज़ें इंसान खुद प्लान करता है लेकिन सारे प्लान हमारे नहीं होते। कुछ प्लान मेरे लिए क्या, सबके लिए मैं ये कहूँगा कि दुनिया में जो हर इंसान के लिए जो प्लान होता है वो रब ही डिसाइड करता है। तो यार ये तो देखो है ही, थोड़ा सा तो फील होता ही है, बट उसके बाद बहुत इमोशनल हो गया। उसके बाद जब आप यहाँ पे आए पहली बारी, हमने आपको बुलाया था, मम्मी पापा को 2019 में बुलाया था, और सच बताऊँ तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई बाहर जाके सेटल हो जाऊंगा। मैंने भी यही सोचा था कि भाई मैं इंडिया में ही जॉब करूंगा, वहीं पर लाइफ होगी, वहीं सेटल होएंगे। बट चलो जो भी लाइफ में हुआ हम यहाँ पे सेटल हो गए। उसके बाद आप लोग जब यहाँ पे आए आपको ऐसी फीलिंग आई? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं बाहर जाऊंगी। अच्छा। और यूके और लंदन में पहला कदम रखूंगी प्लेन से उतर के। मुझे बहुत अच्छा लगा आके, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन जब घर आए उसके बाद रात को नींद ना आए, इंडिया वाली नींद, उस टाइम उठ जाना 3-4 बजे अपना उठ जाना, मैं यहाँ पे भी रात को जागती रहती थी। मम्मी मुझे याद है आते ही अब मैं सेकंड टाइम आई हूँ लेकिन अब भी मैं अपने उसी टाइम पे उठ जाती हूँ और जब दिन निकलता है फिर मैं सो जाती हूँ। थोड़ा यहाँ पे स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है मम्मी पापा की, क्योंकि ऑब्वियसली इतने साल वहाँ पे रहे हैं, हमें तो एडजस्टमेंट हो गई है। लेकिन मुझे याद है 2019 में जब आए थे मम्मी पापा यहाँ पे, समर का टाइम था और समर में मम्मी देखती रहती थी बाहर, अरे अभी तो अंधेरा ही नहीं हुआ, 10 बज गए अंधेरा ही नहीं हुआ, तुम अभी से डिनर कर रहे हो, बार बार यही होता था। तो ऐसी फीलिंग आती थी ना, लेकिन फिर टाइम एडजस्ट हो गया, पापा को तो एडजस्टमेंट हो गई, वापस हो जाते हैं टाइम से। बाकी जो 2019 में आए थे तो काफी जगह यहाँ पे हम घूमे, तो मतलब यहाँ का कल्चर, यहाँ का एटमॉस्फेयर देख के बड़ा अच्छा भी लगता है। कुछ चीजें यहाँ पे अच्छी हैं, इंडिया में भी कोई कमी नहीं है, बहुत चीजें हैं, लेकिन यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं कि मतलब एक लोगों के कल्चर में है, किसी भी रूल्स के लिए या कुछ ऐसी चीजें हैं वो अच्छी बात है। उसके लिए कुछ मतलब ज्यादा सख्ती की जरूरत नहीं होती कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी, वो खुद लोगों के अंदर ही है, लोगों के अंदर ही वो चीज है, वो डिसिप्लिन में ऑलरेडी, यार वही है, इंडिया में भी कोई कमी नहीं है, वहाँ पे भी रूल सारे हैं वहाँ पे, लेकिन हर कोई फॉलो नहीं करता। आप ये बोलना चाह रहे हो, हाँ यहाँ पे हर कोई फॉलो करता है अपने हिसाब से, वो कल्चर में होता है, जैसे जहाँ पे आप रहते हो वैसे ही वहीं के ढल जाते हो। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो और आपको कैसा लगा यहाँ पे, मतलब आपको कंट्री बिल्कुल नहीं है, सुबह सुबह आप उठते हो बिल्कुल डिफरेंट लगता है, चेंज होता है चीजें, चेंज होता है। एक तो यहाँ सफाई बहुत है, पोल्यूशन फ्री, पोल्यूशन फ्री है, पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे जहाँ तक देखोगे दूर तक बिल्कुल रोड साफ तुम्हें मिलेंगी, कहीं गंदगी नहीं है, बहुत अच्छा लगता है।
देख के, तो है। बहुत ही अच्छा। लेकिन उसी के साथ साथ ये तो चलो अच्छी चीज हो गई है, यहाँ पे घूमने में बहुत अच्छा लगता है और पोल्यूशन फ्री है, रोड्स पे क्लीनिनेस है। लेकिन जब मम्मी पापा यहाँ पे आते हैं ना, इंडियन पेरेंट्स जब आते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, यूके में तो चलो थोड़े टाइम के लिए आते हैं बट दूसरी कंट्रीज में लंबे टाइम तक भी रहते हैं, उनको प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो मम्मा सबसे पहली प्रॉब्लम आपको क्या लगती है, मतलब वेदर लगता है, ठंड लगती है, या फिर क्या चीज़ आपको लगता है कि प्रॉब्लम कौन सी है? वेदर की प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि रात को उठ के बैठ जाना। एक बहुत मुझे याद आया, मम्मी खुद ही बताएंगे। हाँ, मैं रात को, जैसे अब भी दो दिन पहले ही हुआ है मेरे साथ ऐसे, मैं उठ के बैठ गई और मुझे ऐसे लग रहा है मैं अभी मतलब 10 मिनट के अंदर मुझे इंडिया में होना चाहिए। अब ये नहीं समझ आया क्यों, या तो सारा अंदर बंद रहता है बाहर, है ना। फिर मैंने विंडो खोली, उसके बाद अच्छी हवा लगी, फिर बाहर हवा में थोड़ी देर घूमी भी मैं, उसके बाद मुझे नींद आई। नहीं तो मुझे ऐसे लग रहा था मैं तुरंत अपना, तुरंत मैं अभी इंडिया चली जाऊँ। पर इंडिया में भी क्या है, बच्चे मेरे पास हैं। मैं ये सोच के कि बच्चे मेरे पास हैं तो मैं मतलब थोड़ा मुझे रिलैक्स फील हुआ कि नहीं मुझे यहीं रहना चाहिए, उसके बाद मैं ठीक हुई हूं। तो ये बेसिकली देखो विंटर की प्रॉब्लम है। विंटर में ऑलरेडी आपको पता है यहाँ पे बहुत डिप्रेशन टाइप का हो जाता है, और ऊपर से इस बार मम्मी पापा आए भी विंटर में है, 4 बजे के बाद सब कुछ बंद, हम कहीं जा भी नहीं पाते, घूम भी नहीं पाते। आज भी हम लोगों को आना था तो ऑफिस खत्म करते ही हमने सोचा चलो जितनी लाइट है उसी में ही हम लोग बाहर जाएं, वॉक करें थोड़ा पार्क में जाके। तो विंटर में यार ये प्रॉब्लम्स तो है ही। अगर आपके पेरेंट्स यूके में आ जाए, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, वेस्टर्न कंट्री में विंटर्स में स्पेशली वॉक्स वगैरह पे जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के साथ। ये नहीं है सिर्फ कि आपने पेरेंट्स को इंडिया से बुला लिया है, बस आपका काम वहाँ खत्म हो गया है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, वॉक्स पे जाना, इवन अगर आपको लंच ब्रेक भी मिलता है, लंच ब्रेक में भी 15-20 मिनट उनके साथ बैठ के खाना खाना, बातें करना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब पेरेंट्स इंडिया से आते हैं ना, सब कुछ उनकी पूरी सोसाइटी है वहाँ पे, सब चीज़ें हैं, वो छोड़ छाड़ के यहाँ पे आते हैं, तो लोनलीनेस जैसे हमें होती है उनको तो बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा सा है विंटर का, लेकिन पिछली बार जब हम 2019 में आए थे, थोड़ा सा समर का टाइम था, तो बच्चे चाहे ऑफिस में होते थे उस टाइम तो इनको डेली ऑफिस भी जाना होता था और हम घर पे होते थे, तो अपना पापा ने क्या करना होता था, मोबाइल लेना, अपना नेविगेशन ऑन करनी और अपना चल पड़ना, ताला लगाना घर में, और थोड़ा ही मुझे पता था ज्यादा कुछ मैं, लेकिन हम घूमे बहुत थे हम लोग यहाँ से इतनी दूर तक, जैसे आपका ये गुरुद्वारा है ना, गुरुद्वारे मत्था टेक के हम लोग सीधा यहाँ से निकलते हुए, मैंने अब अभी का फोन आ रहा है कि मैं कैब करा देती हूँ, कैब में चले जाओ, पापा कहते नहीं नहीं पैदल चलेंगे, पैदल चलते चलते हम लोग घर पहुँच गए। और हमें बहुत अच्छा लगा, काफी दूर है, कोई ऐसा यहाँ ऐसा कोई रश नहीं है, कोई वैसा नहीं है, तो जो है हमारा अपना ही रिसेप्शन गार्डन में, ये यहाँ तो हमारा रूटीन ही हो जाता था कि अपना जब ये ऑफिस चले गए हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और उसके बाद यही आ जाते थे, थोड़ा सा घूम फिर रहते थे, कई लोग मिल जाते थे, उनसे बात भी हो जाती थी, थोड़ा सा ज्यादा इंग्लिश समझ नहीं आती थी, लेकिन ये भी प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है। लेकिन अगर अपनी बात किसी तक पहुंचानी है तो उसके बहुत से तरीके होते हैं, सही बात है, पहुंचाई देता किसी तरह से, तो ये तो समझ जाते हैं ऑब्वियसली। जब पेरेंट्स आते हैं ऐसी कंट्रीज में, हर किसी के पेरेंट्स को इंग्लिश भी बोलने नहीं आ पाती, तो ये थोड़ी सी लोनलीनेस फील होती है कि वहाँ पर सोसाइटी में आप लोग मिलते जुलते हो, हर एक रूटीन बना होता है हर किसी का। बहुत सारी हैवी बातें हो चुकी है, तो मैं ये सोच रही थी कि अब मेन बात पे आ जाते हैं कि खाने पीने की आपको प्रॉब्लम हुई, आप 2019 में भी आए थे, माइक ले लो भाई, माइक 2019 में आए थे समर में, हम खूब घूमे फिरे, इधर उधर गए, आपको अलग अलग रेस्टोरेंट्स ट्राई करवाए थे हमने। मेरी ना एक तो आदत है, मेरे को ऐसा होता है कि ये चीज़ें जो नई नई चीज़ें हैं ना वो सारी ट्राई करवा दूँ मैं यही ढूंढती रहती हूँ कि ये ट्राई करवाना है, मम्मी पापा को वो ट्राई कराना है। पिछली बार जब आए थे तो खाने की तो घर में तो जैसे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बाहर निकले हम लोग तो बाहर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है भाई, हर जगह चिकन, नॉनवेज। अब मैं तो भाई वेजिटेरियन हूँ, मुझे तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, तो बड़ी मुश्किल हुई थी। हम लोग कई रेस्टोरेंट पे जाके बच्चे देखते थे कि कहाँ यहाँ पे ऐसा खाना है जो मम्मी के लिए हो स्पेशल, और हम लोग वहीं रुकते थे। और जब स्कॉटलैंड गए थे वहाँ पे इंडियन भी बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि हम लोग हाईलैंड्स में गए थे, तो मुझे ये चीज याद है कि हम लोग सोचते थे कि मम्मी को कुछ सूप वगैरह ट्राई कर देते हैं जो हमें पता है कि ये वेजिटेरियन होगा। कई बार यहाँ पे ना मोस्टली अंडे को भी वो वेजिटेरियन माना जाता है,
तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि अंडा ना हो उस मील में, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें होती है। स्पेशली अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन घर पे हो तो यहाँ पे हमने बहुत सारी अपनी वीडियोस में बताया कि इंडियन सारा सामान मिलता है, सारे ही मसाले मिलते हैं। मम्मी तो यहाँ पे देख के हैरान हो रही थी, तुम्हें सब कुछ ही मिलता है, तुम्हें कुछ ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पे। आप जब पूछते भी हो कि इंडिया से क्या लाना, हम यही बोलते हैं ना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। अब तो मैं यही कहती हूँ इंडियन स्टोर पर जाते हैं तो सारा इंडियन फूड ले लो, तुम घर पर सारा बनाएंगे। और बाहर भी घूमने जाना है, हमें पिकनिक पर भी जाना है, तो घर से ही बना के जाएंगे, बाहर तो हमें मिलता नहीं है कुछ खाने के लिए। मतलब मिलता भी मजा नहीं है, मजा नहीं है ना फिर। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है मेडिकल प्रॉब्लम्स। जो यहाँ पे मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं, हमने काफी बार हम पर्सनली भी फेस करते रहते हैं कि NHS का हम शेयर करते रहते हैं आपके साथ भी, NHS में काफ़ी डिलेज चलते रहते हैं। और गौरव को भी अब इतने 4 महीने बाद जाके अपॉइंटमेंट मिली है सर्जरी की, जबकि इंडिया में तो आप अगले दिन जाओ अपनी सर्जरी बुक कराओ। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं तो अगर उनको भगवान ना करे कल को ज़रूरत होए मेडिकल की, तो यहाँ पे आप NHS पे जा सकते हो, लेकिन हर चीज़ पेड होती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उनकी ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर करवा के आओ। यहाँ पे 10-15-20 हज़ार का ये खर्चा मत देखो कि जरूरत नहीं है ट्रैवल इंश्योरेंस की। जरूरी है ये, क्योंकि कई बार जगह बदलते हैं, हम किसी दूसरी जगह जाते हैं, खान पान बदल जाता है, कुछ पानी चेंज हो जाता है, तो हो जाती है कई बार प्रॉब्लम, और इसलिए काफी हम ध्यान भी रखते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि ये जरूरी चीज है, मेडिकल की तो जरूरी चीज है, कोई भी अपने पेरेंट्स को लेके आ रहा है यहाँ पे तो सबको कराना चाहिए। और इसके बाद एक और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिन लोगों के चलो ठीक है मैं यहाँ पे आ गया, उसके बाद मेरा जो छोटा भाई है आदि वो भी यहाँ UK में ही है, तो अब हम दोनों बच्चे जो है यहाँ पर है, तो उसके बाद आप लोगों को कैसा मतलब वहाँ पे चैलेंजेस आए, इंडिया में चैलेंजेस आए, क्योंकि यार ऑब्वियसली होता ही है छोटे छोटे काम में, या फिर कहीं मार्केट जाना है, कहीं कोई काम करवाना है घर के अंदर, हर चीज़ में अगर बच्चे साथ में हो तो ज़रूर वो चीज़ होती है। और हम ये चीज़ हमेशा सोचते हैं और हम यही ट्राई करते हैं किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो स्पेशली। और उसके बाद आपको कैसा लगा, मतलब आप क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब हमारा बच्चा है गौरव, इसका तो शुरू से ही प्लान था एक, तो उसके लिए हम प्रिपेयर थे कि भाई ठीक है इसको बाहर जाना है पढ़ना है, तो फिर छोटा साथ था आदि हमारे साथ था, तो हमें इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ। शुरू शुरू में थोड़ा सा लगा, कई बार इनकी मम्मी को बहुत वो होती थी, लेकिन जब वो सब हो गया तो आदि के टाइम कोई प्लान नहीं था हमारा। एक्चुअली आदि ने वहीं अपना अच्छी जॉब कर रहा, अपने घर में अपना काम करता था वो, लेकिन वो कोविड के टाइम थोड़ा सी प्रॉब्लम हो गई कि उसका काम जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, उसकी जो टीम थी वो थोड़ी सी बिखर गई कोविड के बाद। थोड़ी सी कोशिश की उसने, क्योंकि पहले जॉब की थी तो उसने सोचा कि चलो दोबारा जॉब कर लेते हैं, लेकिन जॉब भी फिर वही है, या तो बेंगलोर जाओ या पुणे या फिर इंडिया में भी दूर दूर सिटी में रहने ही पड़ता है। देखो इंडिया में भी कहीं दूर सिटी में जाके सेटल होना या फिर अपना कोई काम स्टार्ट करना, स्पेशली तब जब आपके पास लिमिटेड पैसे हो, क्योंकि आदि भी यही प्लान कर रहा था मैं कुछ अपना स्टार्ट कर लेता हूँ, जब आपके पास लिमिटेड पैसे हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ता है बहुत बड़ा। अगर वो चला तो चला, नहीं चला तो वो पैसे तो गए, आपका टाइम भी गया, और आगे करियर में आप क्या करोगे वो भी सोचना पड़ता है। तो इसलिए उस टाइम पर यही डिसाइड हुआ कि यार चलो ठीक है आदि भी यहाँ पर अगर आ जाए तो उसकी भी जॉब लग जाएगी, लेकिन लाइफ बहुत लंबी है। हम चाहते थे कि आदि भी कनाडा जाए, क्योंकि मम्मी पापा कनाडा में लॉन्ग टाइम तक रुक सकते हैं, तो ये भी एक प्लान है। तो आगे का देखते हैं यार, आगे लाइफ कुछ नहीं पता क्या होती है, अभी तो यही है जैसे अभी हम रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने मम्मी पापा के साथ जाके रहो इंडिया में, और उनको भी अपने पास बुलाओ कि यार अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कि बहुत टाइम हो गया आप अपने मम्मी पापा से मिले ही नहीं हो, तो ये चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम भी अगर दूर हैं तो कभी ये हमारे पास आ जाते हैं, कभी हम इधर आ जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम तो यहाँ रह भी नहीं सकते। हाँ, यहाँ का सिस्टम कुछ ऐसा है कि लंबे टाइम तक नहीं रह सकते, लेकिन वहाँ रहते हैं तो दूसरी फैमिली है हमारी, चाहे ब्रदर के बच्चे हैं या दूसरे हैं, वो भी हमारे बच्चों की तरह हमें रिस्पेक्ट देते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन कई बार दूरी महसूस होती है, जरूर होती है। और जो भी लोग हमारी वीडियोज देख रहे होंगे जिनके जो अपने मम्मी पापा से दूर रह रहे हैं, या फिर जिनके मम्मी पापा इंडिया में हैं, वो हमारी वीडियोस देख ले तो डेफिनेटली इस वीडियो से वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ ये सारे पॉइंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपके मम्मी पापा UK में आते हैं, पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं या किसी भी कंट्री में जाते हैं, इंडिया में क्या होता है इंडियन चैनल्स वगैरह देखते हैं, वो TV देखते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मम्मी पापा का TV देखने में जाता है, बिकॉज हम लोग तो जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जरूर मेक श्योर करना कि यार अपने जो हम लोग क्या है नेटफ्लिक्स वगैरह देख लेते हैं,
ये जरूर मेक श्योर करना कि उनके लिए एक ऐसा प्लान हो टीवी के अंदर कुछ भी हो कि वो इंडियन टीवी चैनल जरूर देखें, क्योंकि उसी से ही इनका जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्पेंड होता है। हम थोड़ा जुड़े रहते हैं ना, जुड़े रहते हैं। मम्मी सीरियल वगैरह देखती है। मेरे सीरियल मिस हो रहे हैं इस बार। सीरियल मिस हो रही है क्योंकि कुछ चैनल्स नहीं मिल रहा है। नहीं, टाइम तो मिल जाता है लेकिन वो आते नहीं। कुछ चैनल्स आते नहीं है। जो भी चैनल्स आते हैं, पापा तो अपना यहाँ पे इंडियन न्यूज वगैरह देख लेते हैं तो उनका चल जाता है उससे। और पापा तो नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजोन प्राइम सारी सीरीज वीडियो सब देख चुके हैं, तो मूवीज वगैरह। तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उनको कम्फर्टेबल फील हो, उसलिए यहाँ पे अपना इंडियन सोसाइटी, जितना भी आप यहाँ पे आपके जो फ्रेंड्स हैं इंडियन या जहाँ पर भी कोई कम्युनिटी है उसके साथ पूरा उनके साथ एंगेज करो। अभी रिसेंटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था तो मैंने सोचा चलो जो इंडियन कम्युनिटी है वो सारी मिल रही है एक जगह पे मैच देखने जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे जाओ और ऐसे सोसाइटी में एंगेज करो, उनको भी अच्छा लगता है। और एक चीज और कि जब गौरव तो खैर पहले से ही आ गया था, और जब आदि का भी जब यहाँ प्लान बना तो मेरे से कहने लगा कि पापा अब गाड़ी चलाना सीख लो कि आपको जरूरत पड़ेगी। हाँ। तो मैंने हालांकि गाड़ी जब हमारे पास चलानी थी तो थोड़ा बहुत चलाता था, लेकिन इतना कभी मतलब जब भी जाना होता था तो आदि जाता था। और जब इसके जाने के बाद फिर गाड़ी चलाना भी शुरू किया, और ये जरूरी भी है, जो इंसान को बहुत चीजें जरूरत जो होती है ना बहुत कुछ करवा देती है। सही बात, करना है बैंक का कोई काम करना है काम वो सारा है, काम कर लेते हैं पापा, वो सारे फोन से करने सीखे, चलो यार कहीं आना जाना कम हो जाए और यहीं से काम चलता रहे। तो बेसिकली यही है यार, अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा अपडेट रखना चाहिए कि कोई बिल पे करने हैं ऑनलाइन या ऐप चलानी है, कोई नेटफ्लिक्स चलाना है या कुछ भी चलाना है, इंटरनेट वगैरह में प्रॉब्लम आ गई, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें टेक्नोलॉजी वाइज अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। और यार बहुत इंपॉर्टेंट बात तो यही है सबसे लास्ट में, मतलब मेक देम फील कम्फर्टेबल। अगर वो यहाँ पर आए हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करो, वॉक्स पे जाओ, घूमो, प्लान करो चीज़ें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है यार, अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम यही होता है जब आप साथ में स्पेंड करते हो। जब आप यहाँ पे रह रहे हो अकेले, मम्मी पापा वहाँ पे रह रहे हैं अकेले, कोई भी फेस्टिवल्स आता है, हम लोग कितना मिस करते हैं कि यार इंडिया में मम्मी पापा अलग से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, हम यहाँ पे अलग से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसीलिए अभी भी आदि का यही प्लान था कि दिवाली पे साथ में मिल लेंगे या क्रिसमस हम लोग साथ में मना लेंगे, तो यही था। इसीलिए मम्मी पापा को हमने सोचा चलो यार आ जाओ यूके और यहीं पर सारी चीजें सेलिब्रेट करते हैं। हमने सोचा भी नहीं था इस बार कि हम लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे और दिवाली हम यहीं मनाएंगे। और सबसे बढ़िया बात कि यार 10 दिन में वीजा आ गया विदाउट प्रायोरिटी। मैं मतलब हैरान था, विद इन 10 वर्किंग डेज। अब पता नहीं वो क्यों आया, मे बी ये रीजन हो सकता है कि पहले मम्मी पापा का एक बार वीजा लगा हुआ है, तो वो वाली वीडियो भी मम्मी पापा के साथ जरूर बनाऊंगा मैं कि वीजा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और इजीली आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी अप्लाई करना इस बार, थोड़ा बहुत इजी रहा हमारे को। हाँ। उसमें जो भी है आप बताना। हाँ, मम्मी पापा का एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि VFS जाने का एक्सपीरियंस कैसा हुआ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में तो हमने डिस्कस किया नहीं। मम्मा सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना, यहाँ पे मतलब जेट तो होते नहीं है। जेट की भी कमी पूरी हो गई है क्योंकि मैंने अब घर में जेट लगा दिया दोनों बाथरूम में, अपने में तो था ही, मम्मी पापा के बाथरूम में जेट लगवा दिया। जब बाथरूम में आते थे तो अपने आप को इंग्लिश मैं नहीं समझता, अब मैं देसी भाई सब तो हमारे लिए जेट लगाएंगे नहीं, लेकिन बाहर अब जाएंगे रेस्टोरेंट वगैरह में तो वहां तो वो अब, लेकिन हमारे को एक्सपीरियंस है। हाँ, पिछली बार आए थे मम्मी पापा तो एक्सपीरियंस पूरा पूरा है मम्मी पापा को, तो रेज्यूमे में लिखा हुआ है कि हाँ ये चीज आती है हमें, तो हम कर लेंगे किसी तरह। ठीक है, तो यार बेसिकली यही है, देखो कुछ प्रॉब्लम्स आती है और कुछ चीजों से आपको अपडेट रहना पड़ता है, लेकिन लाइफ ऐसी है यार, आपको नहीं पता कि आप कहाँ पे रह रहे हो, कहाँ जाओगे, आपकी जॉब कहाँ लगेगी। इंडिया में रहते हुए भी लोग मम्मी पापा कहाँ रहते हैं और जॉब दूर दूर लग जाती है, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस ही होता है। तो बस यही था यार, हमने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं, मम्मी पापा का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, पहले 2019 में आए थे उनको कैसा लगा, ये तो हमने बात ही नहीं करी। पहले आप ये भी बताओ कि आपको यूके वैसे जनरली कैसा लगा, घूमने वगैरह में हमारे साथ टाइम स्पेंड करके कैसा लगा यूके में। यूके में तो बहुत अच्छा लगा, काफी जगह ही घूम लिए तकरीबन, कोई जगह बची नहीं थी 2019 में। और एक बात तो ये है कि जहाँ बच्चे हैं, जहाँ परिवार है, वहीं दिवाली है। बस ये था आज हमारा, डेली दिवाली मना रहे हैं। बच्चे इंडिया आए थे तब मेरी दिवाली थी वहाँ, आपने देखा होगा पहले भी सब बच्चे हम लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, और अब भी हम लोग 2 महीने दिवाली ही मना रहे हैं। बाकी दोनों हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, आदि भी बहुत ख्याल रखता है, ऐसा नहीं है। और सभी और मैं ये भी बहुत ध्यान रखती है, और मैं ये भी बहुत ध्यान, आपका भी कह रहा हूँ, आदि का भी कह रहा हूँ,
तो होपफुली आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी, आप रिलेट कर पाए होंगे इस वीडियो से, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, आपके कमेंट जो है वो सबसे बड़े फीडबैक्स हैं हमारे, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़।